नहीं चेहरे पे कोई नहीं लगाएंगे। कल नहीं बता रहा है ना वो क्रीम ऐसे और भी लोग जो छुपे रहते हैं जिनका बर्थडे हुआ करे बता दिया करें। भाई लिए कल ऐसा हुआ क्या तुम्हारे? अरे कल इनके साथ में ऐसा सीन हो गया कि मतलब दो वीडियो मजाक उठा रहे नहीं पूरा मीडिया के भाई सबको पता भी चलना चाहिए। चलो ठीक है बाद में रहेगा, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। नहीं तो कल हमारे दो लोग हैं, इन लोगों ने अपना मतलब तुम्हारा इंटर था और हाई स्कूल किसका था? इंटर ही था सर। दोनों लोगों का इंटर था। हाँ अजीत यादव एक लोग इंटर के रंजीत क्या हुआ सर्विस? आज जो हम लोगों ने जो बर्थडे को मनाया है ये हमारे असद स्टूडेंट हैं और ये हमारे सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, कम से कम हमारे 2 साल पुराने स्टूडेंट हैं और 2-2.5 साल से हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और आज ये मार्केट में मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अपनी शॉप है, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान पर काम करते हैं और काफ़ी सारी इनके लाइफ में बड़ी परेशानी आई, लेकिन उस परेशानी को देखते हुए कई बार तो इन्होंने ऐसा भी सोचा कि मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम करूं कि ना करूं, कि सर इस काम को छोड़ दूं कोई दूसरा काम करने लगूं। लेकिन बाद में मैंने इनको कई बार समझाया कि अगर लाइफ में अगर हम कोई भी एक काम को पकड़ लेते हैं, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आते, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन उस कम ज़्यादा को देख कर अगर इंसान परेशान हो जाए और अपना काम छोड़ दे दूसरी चीज़ में लग जाए तो वो बार बार इधर उधर होता रहता है। अब कभी भी ज़िंदगी में एक काम का मास्टर नहीं हो सकता। अगर उसको मास्टर होने का मतलब ये रहता है कि ये बात तय नहीं करती कि आप उसमें सफल हो कि नहीं सफल हो, लेकिन ये बात जरूर तय करती है कि अगर उस काम में लगातार लगे रहे तो या तो काम सफल हो जाएगा या तो तुम सफल हो जाओगे। अगर काम सफल हुआ तब भी तुम्हारी सफलता है और अगर तुम खुद सफल होते हो तब भी तुम्हारी सफलता है। तो दुनिया में यही सारी चीज़ें एक दस्तूर है कि आप उस चीज़ में लगे रहें। अगर कोई भी इंसान एक काम में लगातार अगर 10 साल लगा देता है तो मैं आपको गारंटी के साथ में कहता हूँ कि उसको कभी ज़िंदगी में कोई फेल करने वाला तक पैदा नहीं हुआ है, ना उसको आज तक कभी हराने वाला पैदा हुआ है। मैं 10 साल तो बहुत बड़ी बात कहता हूँ, मैं 5 साल की बात कहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी कहते हैं अगर एक बिजनेस को अगर तुम 5 साल लगातार चला लेते हो तो किसी माई लाल के अंदर दम नहीं है जो आपको कभी ज़िंदगी में फेल करके बाहर चला जाए, आपको कभी फेल नहीं कर सकता। तो आप जिस लाइन को आप लोग सिलेक्ट किए हो ये एक ऐसी लाइन है कि हर एक आदमी के लिए उपयोगी है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिस आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन ना हो। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि आज हम लोग जो वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर लाइट चली गई, केक काटते समय ही लाइट चली गई। बाद में ऐसा है कि हमारे हाथ में सिर्फ अगर जहाँ लाइट पावर हाउस की बात आती है तो मोबाइल फ़ोन ही आता है कि भाई चलो मोबाइल फ़ोन निकालो फ्लैश लाइट जलाओ। ऐसा कौन सा आदमी है जो टॉर्च लिए घूम रहा है? तो इसका अगर तुमको यहाँ पर यह भी बात आ जाती है कि हमको फ़ोटो खींचना है तो तुम इससे फ़ोटो भी खींच सकते हो, अगर किसी को वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजना है, वीडियो कॉलिंग भी करना है, ऑडियो वीडियो कुछ भी काम करना है, तो मुझे लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो भी हमारे दिमाग के अंदर सोच की उपज है वो सारी चीज़ इसमें जाहिर कर सकते हैं और ये हमको करके देता है। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो हर एक आदमी के लिए सबसे बहुत उपयोगी है। तो अगर उपयोगी है तो जाहिर सी बात है कल को ये ख़राब होगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो हमारे जैसे टेक्नीशियन की ज़रूरत हमेशा ज़िंदगी भर बनी रहेगी, हम लोग उसको रिपेयर करेंगे। मोबाइल फ़ोन का औसत ये रहता है कि उसका 3 साल का लाइफ होता है, 3 साल में ही मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है,
फिर नया लेना होता है। लेकिन एक मोबाइल फ़ोन जब बिकता है तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का बिकता है, उसमें जो बेचने वाला होता है वो 100, 200, 300 रुपये ही प्रॉफिट या 400 रुपये ही प्रॉफिट कमा पाता है, लेकिन उसको 2, 4, 5 बार रिपेयर करने वाला उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। वो इसलिए कमा पाता है क्योंकि जो बेच रहा है वो नॉन टेक्निकल है, वो ऐसे ही कोई आदमी बेच रहा है, लेकिन जो रिपेयरिंग करने वाला बंदा है वो दिमाग से शार्प है और टेक्निकल है। टेक्निकल आदमी ऐसा होता है जो कम लगा करके कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जो नॉर्मल ऐसे लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट तो लाखों की बात करते हैं लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं तो कहते हैं 2% बचेगा, 10% बचेगा, 15% बचेगा, लेकिन जो काम करने वाला शार्प बंदा होता है वो तो कहता है 2% लगेगा और प्रॉफिट होगा 100% का। कैसे होगा? क्योंकि वो माइंड से कैसा है, टेक्निकल है, क्योंकि जो काम वो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। और जहाँ पर ये बात आती है कि जो काम हम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन कई गुना ज़्यादा रहता है और हमको काम करने में कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती। तो असद जी आप बताइए जरा, मैंने तो आपको बता दिया आपके बारे में, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आज आपका बर्थडे है तो मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं कि आप हमेशा सबसे पहली बात क्या स्वस्थ रहें, अच्छे तरीके से काम करें, और इनकी सबसे बड़ा जो इस लाइन में काम छोड़ने का मेन पर्पज़ था कि इनके साथ में एक बीमारी, इनके साथ में एक ऐसी पर्सनल बीमारी है कि कई बार पेट की ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इनके तबीयत ख़राब हो जाता है कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए, उसके बाद फिर जब सही होते हैं तो फिर अपने काम पर लग जाते हैं। उस चक्कर में इन्होंने सोचा कि क्या सर मैं इस काम को छोड़ दूँ, तो मैंने इनको बोला कि अगर इस काम को छोड़ दोगे तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, अगर हम किसी भी चीज़ के चक्कर में अगर अपना काम छोड़ देंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारी जो बीमारी होती है वो हमसे ज़्यादा दो तरीके से हावी हो जाती है, क्योंकि बीमारी आदमी शरीर पर तो आती आती है लेकिन दूसरी बीमारी हमारी कहीं ना कहीं जेब पर भी आती है, क्योंकि आदमी के पास अगर पैसा नहीं होता ना तो बीमारी को ठीक कराने के लिए चारों तरफ भागता है और फिर कोई आदमी मदद करने के लिए खड़ा नहीं होता है। अगर तुम्हारी जेब में पैसा है तो तुम अपनी बीमारी से लड़ सकते हो, लड़ सकते हो कि नहीं लड़ सकते, तो ये एक सबसे बहुत बड़ी बात होती है। तो असद जी आप बताइए जरा, ताकि और भी लोग हैं जो हमारे स्टूडेंट जो सीख रहे हैं या आपके जो छोटे हैं, जो जूनियर हैं, जो सीनियर हैं, उन लोगों को भी पता चले कि सर हमको आगे लाइफ में कैसे करना चाहिए, अपना एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा सा। आगे जो है मतलब ये है कि ऐसा है कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो पहले तो उस पर फोकस रखें, दिल से करें, बिल्कुल टाइम दें उसको, जैसे आपको टाइम मिले वैसा करें, क्योंकि आज जो हम हैं इनकी वजह से हम भी हैं, क्योंकि जो शुरुआत में जब मैंने काम किया तो मैं भी सागर मार्केट में किसी के पास करता था, उसके बाद जब मैं वहाँ से हटा तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर से मैं मिला, पहले जो है MTI में थे, तो उसके बाद मेरी इनसे दोस्ती हुई, इनसे मिला तो मुझे काफ़ी इनसे नॉलेज मिली, काफ़ी कुछ देखने को मिला, आधी तो नॉलेज जो हमें यूट्यूब पर घर बैठे ही मिल जाती है, तो काफ़ी सर ने हमें मेरी हेल्प भी करी, जब बीमारी हुई तो हमने इनको बताया भी, इन्होंने मेरी हेल्प भी करी, काफ़ी कुछ किया, तो मेन चीज़ हेल्प ये थी कि हमें समझाते रहते, समझाने एक माइंड सेट बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब माइंड सेट हो जाता है आदमी का तो हर चीज़ मुमकिन हो जाती है, इधर उधर ध्यान ना दें, अपने काम फोकस किए, और मैंने तो एक काम नहीं और भी चीज़ें जैसे कि CO2 लेज़र इधर कभी काम सीख लिया, तो ये सब एक माइंड सेट पर था, हम चाहते तो टाइम पास में सारी ज़िंदगी निकल जाती, लेकिन क्या है माइंड सेट रखा कि नहीं, ऐसे ऑफर बहुत है कि वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, सैलरी पे मत जाएं कभी भी, फोकस अपने काम पर करें कि क्या हो रहा है, टाइम में चीज़ ज़्यादा देना है अपने आप को, बाकी तो सर हैं ही, जो आपको हेल्प चाहिए सर आपको देंगे बिल्कुल उस चीज़ के लिए। तो मैं सर कहना चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से आप इसी तरह काम करें और हम हर साल आपका बर्थडे ऐसे इसी तरीके से मनाते रहें और आप हमेशा खुश रहें, अपने फैमिली के साथ में जुड़े रहें, और हमारे जितने भी सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी सारे स्टूडेंट आपके एक अच्छे एक्सपीरियंस को लें और लेने के बाद अच्छी तरीके से काम करें। कभी भी अगर लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम आती है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखने के बाद, देखो आदमी की पहचान तभी होती है जब समय निकलने के बाद, समय पर तो सब साथ देते हैं लेकिन समय पर कोई साथ नहीं देता, जब समय निकल जाता है, अगर जब समय पर जो साथ देता है तो वहीं पर आदमी की असलियत की पहचान होती है कि हमारी किस तरीके से मदद होती है। मदद इंसान की ज़िंदगी में दो तरीके से होती है, ज़रूरी नहीं कि आप किसी के धन दौलत शौहरत से ही मदद करें, मदद हमेशा वहाँ पर भी होती है कि अगर आप उसके हमेशा साथ खड़े होते हैं, अगर आप साथ खड़े होते हैं तो वो भी सारी बहुत अच्छी मदद होती है, क्योंकि आदमी लेने या ना देने के चक्कर में मुंह चुरा करके पीछे हट जाते हैं, लेकिन जहाँ पर हेल्प करने वाली बात आती है तहाँ पर आदमी नहीं करता। तो हमारे लिए सारे स्टूडेंट के लिए यही है कि अगर आपको लाइफ में कभी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग या इस
से फील्ड में कभी काम कर रहे हैं तो हमारी तरफ से टेक्निकल बैकअप सपोर्ट मिलता है कि हम आपको हमेशा के लिए मदद करते हैं, और कभी सीखने के बाद अगर कभी भविष्य में कोई प्रॉब्लम आएगी तो उस चीज़ को आकर के आप दोबारा सीख सकते हैं। तीसरी बात यह कि सीखने के साथ साथ अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, कैसे काम किया जाएगा, करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि सर हम इस लाइन में 15-17 साल से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं और बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के सारी चीज़ों को हमने देखा हुआ है, सभी तरह के लोग को देखा हुआ है, ऐसे लोगों को देखा हुआ है कि जो आज इस लाइन में बहुत तरीके से सफल हैं, और ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है कि आज इस लाइन में थोड़ा सा उनको काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है तो उन्होंने अपनी परेशानी को हमारे साथ में शेयर करते हैं कि सर हमको ऐसी दिक्कत आ रही है, हम ये काम नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, हमसे ऐसा नहीं हो रहा है, या हमने जहाँ पर दुकान खोली वहाँ पर हमारे पास काम ही नहीं आ रहा है, काम तो हमको बहुत आता है लेकिन हमारे पास काम ही नहीं आएगा तो हम काम कैसे करेंगे। तो बहुत सारी बातें हमारी लाइफ में मैटर करती हैं, तो वो हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट हमसे शेयर करते हैं, तो वो शेयर करने के बाद मैं भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस लेता हूँ, और एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि किसी जो दूसरा पर्सन हो उसके साथ में ऐसी कभी कमी ना हो। जब ऐसी कोई कमी नहीं होगी तो मुझे लगता है कि इंसान तभी तरक्की कर सकता है जब उसके लाइफ में सारी कमियों को दूर कर दें। भाई ऐसा तो कोई इंसान नहीं जिसके अंदर कोई कमी ना हो, कमी तो हर एक इंसान के अंदर है, लेकिन वो अच्छा तभी हो सकता है जब उसकी सारी कमी को धीरे धीरे करके क्या कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। जब सारी कमी दूर हो जाती है तो हम लोग सफलतापूर्वक अपनी लाइफ को जीते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मेरी तरफ से यही है कि आप सभी लोग सीख करके सफलतापूर्वक काम करें और अच्छी तरीके से अपना काम को स्टार्ट करें। ये काम हम लोग इसलिए सीख रहे हैं ताकि एक मिशन के रूप में सीख रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, बहुत सारा एजुकेशन ले लिया, बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर लिया, लेकिन इसमें से मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जब मेरे पास कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आते हैं या हमसे फ़ोन से बात करते हैं या हमसे कॉल करते हैं तो अपनी सारी परेशानी को हमारे साथ में शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं कि सर मैंने बहुत साल मैंने तैयारी करी है और तैयारी करने के बाद ऐसा नहीं कि हमको सफलता मिल पाई, या बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मैंने बहुत साल कई सारा काम किया है लेकिन उस काम करने के बाद में हमको परेशानी आ रही है कि वही 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी कर रहे हैं और घर पे नहीं आ पाते, घर नहीं पहुंच पाते, फिर वहां पहुंचते हैं तो फिर जीरो हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ हमारा 2 पैसे का काम अपना स्टार्ट हो जाए ताकि हमको नौकरी के रूप में किसी के सामने हर महीने की तनख्वाह के रूप में कभी भीख ना मांगनी पड़े, कि हमको ये ना कहना पड़े, और हम अपने दम पे खड़े हों। किस पे खड़े हों? अपने दम पे खड़े हों, अपनी चीज़ों पे खड़े। अगर जो आदमी टेक्निकल होता है अगर कहीं नौकरी भी करने जाता है, कहीं काम भी करने जाता है, तो अभी सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी खुद की यूनिक पहचान होती है। वो कहता है भाई अभी समय नहीं, बाद में करूँगा, चाहे उसके छाती पे मालिक का ही ना खड़ा हो जाए, तो मालिक भी एक बार मुंह फेर लेता है, कहता चलो ठीक है यार बाद में कर देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा नहीं अभी करके दे, तो कहेगा जाओ नहीं करूँगा, क्या कर लोगे, जाओ जाओ तुम कर लो जा करके। तो क्यों नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर गट हो, है ना। तो दुनिया जान में पैसा दे करके हर एक चीज़ को खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसा दे करके कभी ज़िंदगी में किसी को हुनर को नहीं खरीदा जा सकता। हुनर जिस आदमी के हाथ में या जिस इंसान के अंदर जो समाहित होता है वो हमेशा उसके अंदर रहता है, और उसी की वजह से वो इंसान अपनी दुनिया में चमकता रहता है, जगमगाता रहता है। तो मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए बहुत सारी विशेष हैं, आप अच्छे तरीके से सीख करके जाएँ और सफलतापूर्वक काम करें और आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू दोस्तों।